आज हम एग बिरयानी बनाएंगे। पहले हम मध्यम आंच पे अंडे उबाल लेंगे। अब थोड़ा सा तेज आंच कर देंगे। बॉईल आने पर हम अंडे को उबालेंगे। अच्छे से अंडे उबल जाए जब तो इनको हम छील लेंगे। अभी अंडे उबल रहे हैं। अब हम एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे। अब हम गैस पे रखेंगे, गैस को जलाएंगे। हमने गैस को जला दिया है। अब जो कढ़ाई में पानी है उसको सूख जाने पर हम उसमें फिर ऑयल डालेंगे। आप ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे फॉर्चून या आप सरसों का तेल या घी। फिर तक पानी सूख रहा है, इधर अंडे उबल रहे हैं। हमने इधर एक बड़ा सा एक ऑनियन काट लिया है और एक टमाटो। कढ़ाई का पानी हमारा सूख गया है, अंडे हमारे उबल गए हैं। अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब कढ़ाई में पानी सूख गया तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। दो बड़े चम्मच हम ऑयल डालेंगे। अब हम ऑयल को गरम होने तक देखेंगे। अब हमने एक तरफ ले लिया है 4-5 लौंग, कुछ काली मिर्च, एक इलायची और एक तेज पत्ता और 4 हरी मिर्च। तेल गरम होने तक हम वेट करेंगे। अब तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम उसमें ये एक तेज पत्ता डाल देंगे और ये हम सारा मिक्स डाल देंगे। फिर हम ये ऑनियन डाल देंगे। आँच मध्यम कर लेंगे, चम्मच की सहायता से हम इन्हें चलाएंगे। अच्छे से हम इन्हें मिक्स करेंगे। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसमें टमाटर डालेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे।
अच्छे से हमें मिक्स कर लेंगे। हमने जब टमाटर डाला तो हम इसमें अब थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर हम इन्हें मिक्स करेंगे। आँच हम मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी हल्दी आधा चम्मच, और आधा चम्मच हम बिरयानी मसाला, थोड़ा सा और डाल देंगे। अब हम इन्हें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मध्यम आंच कर देंगे। अब हम इसे एक ढक्कन की सहायता से थोड़ी देर ढक के रख देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। अब ये जो एक तरफ हमारे अंडे उबल गए हैं इसको हम उतार लेंगे और छील लेंगे इन्हें। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे हमारा मसाला भुन गया है। हमने एक तरफ अंडे छील लिए हैं। अब इसमें हम कट लगा देंगे। दोनों तरफ हम कट लगा देंगे। मम्मी देखो, अब हम इस तरफ भी कट लगा देंगे। इस तरफ मसाला चेक कर लेंगे। थोड़ा और भुनने देंगे मसाला, ढक देंगे हम। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक तरफ हम जब तक चावल निकाल लेते हैं, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। जितने आप सदस्य हैं आप उतने चावल ले सकते हैं। एक मुट्ठी और, ये हमारे 3 कटोरी चावल हो गए।
अब हमारा मसाला भुन गया है, अब हम इसमें एग डाल देंगे अपने सारे। अब हम इसमें चावल धो के चावल डालेंगे। चावल धो लेंगे हम अच्छे से। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। थोड़ा सा हम सॉल्ट और ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हमने पानी डाला है तो कहीं हमारा नमक कम ना हो जाए चावलों में। अब इसको उबाल आने तक इसको हम खुला पकाएंगे। देखिए उबाल आ गया है। उबल उबल के पानी कम हो रहा है हमारा। जब पानी हमारा एकदम कम हो जाए तो हम ढक्कन से इसे ढक देंगे। कोई किनारी किनारी पे आटा लगा के दम देता है तो कोई कैसे, तो हम इसको सिर्फ ढक्कन से ढक के इसको दम देंगे। अब हम आंच को मध्यम कर देंगे। ढक्कन करने से ढक देंगे। अब हम अपने राइस चेक कर लेते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। चम्मच के सहायता से हम देखेंगे हमारे राइस पक गए हैं या नहीं। हमारे चावल बिल्कुल से इस तरह से पक गए हैं। अब हम ढक्कन ढक के गैस बंद कर देंगे।
अब हम इसके अंदर खाने वाला कलर ऐड करेंगे, मर्जी आपकी, आप डाल सकते हैं या नहीं। हमने कलर ऐड कर दिया इसमें, अब हम 10-15 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 10-15 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। अब हम अपने चावल को देखेंगे। अब हम इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी एग बिरयानी बन गई है। इसे ढक देंगे। अब हम एक चम्मच की सहायता से हम एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। तैयार है हमारा एग बिरयानी राइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। थैंक यू।